हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। वैलिडेशन लगाने का एक और आसान तरीका है, वो क्या हो सकता है वो आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन कर लीजिए। अगर आपको तीन या चार चीजों पे वैलिडेशन देना है तो बहुत आसान है, सेम वही यही तरीका आप आजमाएंगे तो आपको एक लंबा चौड़ा क्वेरी नहीं बनाना पड़ेगा और बिना क्वेरी बनाए आपका काम हो जाएगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बना रहा हूँ टेबल वन के ही नाम से, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। और ये हो गया नेम ऑफ प्लेयर्स, और नेम ऑफ प्लेयर्स लिखने के बाद यहां पर देना है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट। तो यहां पर कुछ प्लेयर हैं जो कि स्पोर्ट प्रीफर करते हैं। अब ये जो स्पोर्ट प्रीफर करते हैं वो यहां पे नाम आएंगे, जैसे मान लीजिए एक यहां पे है प्लेयर राम और इनका स्पोर्ट है क्रिकेट, ठीक है, CRICKET, ये हो गया क्रिकेट। दूसरा है सोहन, इनका स्पोर्ट है हॉकी, HOCKEY। तीसरा स्पोर्ट यहां पे लिख रहा हूं और नाम लिख रहा हूं गौरव, ये प्रेफर करते हैं बैडमिंटन, ये हो गया बैडमिंटन। और यहां पे अगला है हितेश, ये प्रेफर करते हैं क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक एक और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया खो खो। तो एक और प्लेयर का नाम खो खो, यहाँ पे स्पोर्ट हो गया खो खो, प्लेयर का नाम हो गया मोनिका। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स के नाम दिए गए। अब वैलिडेशन हमें अप्लाई करना है, तो वैलिडेशन के लिए सीधा सीधा डिजाइन के ऊपर चले जाइए, नीचे यहाँ वैलिडेशन आता है तो यहाँ पे दे दीजिए। क्या देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, ठीक है। और करिए खो खो, खो खो नहीं देना है हमें, हमें क्या देना है क्रिकेट और फुटबॉल, फुटबॉल। तो क्रिकेट देना है या फुटबॉल देना है, दोनों में से कोई एक ही देना है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, डबल डॉट कोट्स ओपन और क्लोज दोनों ही करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर यहाँ पर भी ओपन हो गया, देन यहाँ पे क्लोज भी हो जाएगा। तो ये हो गया, और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये इस तरीके से ये देखिए। तो यहाँ पर अभी जो वैलिडेशन है वो अप्लाई हो चुका है, हमने पहले ही ये नाम लिख दिए थे। तो अभी हम इन नामों को हटाते हैं और फिर यहाँ पर इन दोनों नामों के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको हटा दिया मैंने, जो नाम मैंने लिखे थे इसको मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा से टाइप करने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट टाइप किया हमने यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फुटबॉल टाइप किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए ये फुटबॉल टाइप करना है आपको, स्पेलिंग भी मिस्टेक आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए ये हो गया फुटबॉल, हो गया ये हो गया फुटबॉल, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये एक्सेप्ट कर गया। अब यहां पर मैं लिखता हूँ खो खो, खो खो, तो क्या खो खो एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये तुरंत जो है एरर दिखाएगा, ये एरर जनरेट करेगा। देखिए फिर यहाँ पे कोई और लिखता है, जैसे कैरम लिख देता हूँ, CARROM कैरम, फिर एरर जनरेट करेगा। ये देखिए इस तरीके से ये एरर जनरेट करता जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ से सीधा सीधा भी वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके।